फ्रेंड, सिविल डायरीज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बताने जा रही हूँ। हमारे कंस्ट्रक्शन लाइन में बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है जो है लैपिंग ऑफ जोन। वो जो लैपिंग ऑफ जोन है वो कैसे माउंट करते हैं, वो कैसे कैलकुलेट करते हैं हमारे साइट के ऊपर, कंस्ट्रक्शन में जो रहता है ड्राइंग उसके ऊपर, ये मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। ठीक है, मेरे पास एक साइट की हार्ड कॉपी है, वो हार्ड कॉपी मैं आज आपको दिखाती हूँ और उसके रिगार्डिंग मैं आपको कन्फर्म बताती हूँ कि वो कैसे कर सकते हैं कैलकुलेट। देखिए, ये जो है मेरे पास हार्ड कॉपी है, टिपिकल डिटेल ऑफ टाइल्स अरेंजमेंट ऑफ कॉलम बिटवीन फ्लोर टू फ्लोर। ओके, मानो फ्रेंड ये जो है अपना कॉलम है, ठीक है, दिस इज़ अ वर्टिकल कॉलम, और इस वर्टिकल कॉलम में हमें आपको सबसे पहले क्या करना है, लैपिंग ऑफ जोन करना है। अब ये लैपिंग ऑफ जोन हम लोग कैसे करते हैं, ये जो कॉलम है, ठीक है, तो उसका फर्स्ट फ्लोर स्लैब एंड सेकेंड फ्लोर स्लैब मानो, ठीक है। अभी उसमें आपको क्या करना है, ये जो फर्स्ट फ्लोर का स्लैब एंड सेकेंड फ्लोर का स्लैब है, फॉर एग्जांपल के हमने काउंट किया 4000 mm है, ठीक है। अभी उसका हमें ये जो कॉलम के अंदर कभी कभी बीम आता है और कभी कभी टाइल, जो बीम आता है कभी कभी स्लैब आता है। जैसे कि अभी ये जो कॉलम है उसके अंदर हमें एग्जांपल के लिए हमने लिया स्लैब और बीम, तो हमने लिया बीम, और बीम का साइज़ हमने फॉर एग्जांपल के लिए 600 डेप्थ लिया, ठीक है, बीम का साइज़ है। अभी हमको लैपिंग ऑफ जोन निकालने के लिए आपको सबसे पहले आपको क्या करना है, क्लियर हाइट आपको काउंट करनी। तो क्लियर हाइट हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो अपना फर्स्ट फ्लोर का स्लैब एंड सेकेंड फ्लोर का स्लैब जो उसकी जो हाइट है 4000 mm, उसको हम माइनस करेंगे जो अपने बीम की डेप्थ लिए 600, उससे माइनस करेंगे तो हमको जो आंसर मिलता है वो मिलता है 3400 mm, ठीक है, दिस इज़ अ क्लियर हाइट। ओके, अभी मैं आपको बताने जा रही हूँ उससे हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे लैपिंग ऑफ जोन। तो उस जो अपना क्लियर हाइट है 3400 mm डिवाइडेड बाय 4, ओके, डिवाइडेड बाय 4 करने के बाद आपको जो मिलता है वो एक्चुअल में लैपिंग ऑफ जोन, उससे हम लोग इस हिसाब से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ये हो गया फर्स्ट पार्ट। अभी सेकेंड पार्ट जो है, जो अपनी क्लियर हाइट है उसको डिवाइड बाय 3 करके भी हम लोग जो लैपिंग ऑफ जोन है उसका सेकेंड पार्ट भी हम लोग कर सकते हैं कैलकुलेट, लेकिन वो कैसे करते हैं मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊँगी। अभी जो है हम लोग सिर्फ क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 4 का जो फॉर्मूला यूज करके हम लोग लैपिंग ऑफ जोन का कैलकुलेशन एंड माउंटिंग बताएंगे, ठीक है। तो अभी अपना कहाँ चल रहा था, 3400 mm डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 850 mm, ठीक है, समझ आए दोस्तों। अभी ये जो आंसर मिल गया आपको, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये जो आंसर है क्लियर हाइट का, तो क्लियर हाइट का आंसर है जोन मतलब जो है स्लैब का टॉप के ऊपर से 850 आपको क्या करना है, ड्रॉप करना है, ठीक है, और बीम के बॉटम के यहाँ पर आपको सेम 850 mm आपको ड्रॉप करना है, और जो मिडल वाला पार्ट है उसको हम कहते हैं लैपिंग ऑफ जोन, और उसे एज वेल एज उसे हम कहते हैं कन्फाइनिंग जोन। अभी ये हमको मिल गया लैपिंग ऑफ जोन की कहाँ पे हम लोग एक्चुअल लैपिंग ऑफ जोन कर सकते हैं, लेकिन जो रहते हैं ना प्रोसीजर कि ये ऐसे करना है वैसे करना है, तो ये एक्चुअल में जोन जो रहता है ना वो दोस्तों, ये जो हमको एक्चुअल में मिल गया लैपिंग ऑफ जोन, लेकिन वो कैसे माउंट करते हैं, कैसे वो लैप्स करते हैं जोन को, तो सबसे पहले उसे क्या कहते हैं 50% ऑफ लैपिंग। इट मीन्स क्या होता है मैं आपको बताती हूँ, अल्टरनेटिंगली मतलब फॉर एग्जांपल उसको क्या कहते हैं, हाँ उसे कहते हैं स्टैगर्ड प्रोसीजर। स्टैगर्ड प्रोसीजर मीन्स क्या रहता है, लार्ज वन स्मॉल वन, लार्ज वन स्मॉल वन, दिस इज़ अ अल्टरनेट प्रोसीजर, ओके। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, लैपिंग ऑफ जोन हम लोग जब करते हैं ना तो ऐसे ही करना चाहिए, मतलब स्टैगर्ड प्रोसीजर में एक छोटा, देखो यहाँ पे भी किया एक छोटा, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, सेम लैपिंग ऑफ जोन नहीं किया है, ठीक है दोस्तों। समझ में आया तो लाइक करना, शेयर करना, थैंक यू, धन्यवाद।